हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल वन बहन एक्स इक्वल वन। स्टूडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन करना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। हेयर स्टूडेंट, आपको पहचानना है एक्स की पावर 2 है 2 है, एक्स और वाई की पावर भी 1 प्लस 2 हो जाएगी। तो यहाँ से पता है ऑल जगह ऑल वेरिएबल्स पे पावर 2 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ से हम डी वाई डी एक्स इक्वल फाइंड कीजिए, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट, यहाँ से एडजस्ट करके डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड दीजिए माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। इक्वेशन 1 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन टाइप ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल एफ वाई अपॉन एक्स। लेट स्टूडेंट वाई अपॉन एक्स इक्वल वी इम्प्लाइज वाई इक्वल वी एक्स। देयर फोर डी वाई डी एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बी एक्स का एक्स की एक्स 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 4th, इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट, ये 4th नहीं है, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से, इसका मतलब है स्टूडेंट 2, 3 से 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स डी वी डी एक्स इक्वल माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल माइनस 2b, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। बी कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट माइनस बी, इम्प्लाई नेक्स्ट लाइन आ जाएगी इम्प्लाइज एक्स डी वी डी एक्स इक्वल माइनस बी बी प्लस 2 इम्प्लाइज। स्टूडेंट, आप सेपरेट वेरिएबल मेथड से डी वी अपॉन बी बी प्लस 2 इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स। नाउ स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी वी अपॉन इंटीग्रेशन डी वी अपॉन बी प्लस बी बी प्लस 2 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ या तो आप फ्रैक्शन बाय पार्ट इसको लेट कीजिए 1 अपॉन बी बी प्लस 2 को ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी प्लस 2 लेट करके कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसा कीजिए हमको न्यूमेटर में बी प्लस 2 चाहिए। तो बी प्लस 2 के लिए आपको बी प्लस 2 और माइनस 2, एक तो 2 चाहिए और नीचे भी, सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट हम 1/2 जो न्यूमेटर में 2 है उसमें बी ऐड कर दीजिए बी माइनस, तो इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट नेक्स्ट, और अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/b माइनस 1/b प्लस 2 डी बी इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन डी स्टूडेंट 1/2 1/b का लॉग बी माइनस 1/b प्लस 2 का लॉग बी प्लस 2 इक्वल माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल लॉग एम एम अपॉन एन फार्मूला यूज करते हुए 1/2 लॉग बी अपॉन बी प्लस 2 इक्वल लॉग सी अपॉन एक्स। स्टूडेंट हेयर लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो लॉग एन लॉग एम इक्वल लॉग एम एन फार्मूला यूज करते हुए 2 पावर में चल जाएगा। अब स्टूडेंट लॉग यहाँ कैंसिल होगा, ऊपर नहीं हो सकता स्टूडेंट क्योंकि 1/2 लगा हुआ आगे, तो इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन आ जाएगी बी अपॉन बी प्लस 2 इक्वल सी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 2 में वाई अपॉन एक्स इक्वल बी लेट किया, तो बी को पुट करना, बी इक्वल वाई अपॉन एक्स पुट कर दीजिए, तो नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट ये आ जाएगी एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा स्टूडेंट वाई अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से सी की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 नाउ स्टूडेंट गिवन है वाई इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इक्वल 1/3। पुट वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, तो सो स्टूडेंट यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2xy इक्वल 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए स्टूडेंट इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल 3x स्क्वायर वाई, इट इज
पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स स्टूडेंट्स।